हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं खेल रहा हूँ द एलन वेक, सॉरी ओनली एलन वेक है, द एलन वेक तो नहीं है। तो एलन वेक का ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट सीक्वल भी आया है। तो वो काफ़ी ग्राफिकली डिमांडिंग गेम है, बहुत ही ग्राफिकली डिमांडिंग है। तो मेरा GPU तो सपोर्ट कर लेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में लैग तो ज़रूर मारेगा। तो वो कोशिश तो मैं करना नहीं चाहता मैं। तो ये गेम काफ़ी अच्छा है। तो ये गेम में खासियत क्या है? तो ये गेम में खासियत ये है कि अगर आप द ईविल विथिन आपने खेला होगा, तो या तो मेरा गेम प्ले वीडियो देखा होगा, तो उसमें माचिस की तीली से जो जॉम्बिस को जलाया जाता है, तो जो यूनिक तरीका है, तो इसमें भी एक यूनिक तरीका है। हम फ्लैशलाइट की जो डीमंस होते हैं उनको ह्यूमन में कन्वर्ट करके तब शूट कर सकते हैं। आप मेरे गेम प्ले में आगे देख सकते हैं। तो इजी नॉर्मल नाइटमेयर, तो मैं तो नॉर्मल ही ले लूँगा। तो इजी तो बच्चा खेल लेगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ये गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। अगर ये मुझे फर्स्ट पार्ट मुझे अच्छा लगा, तो मैं सेकंड पार्ट भी ज़रूर खेलूँगा ये गेम का मैं। तो ये गेम भी लगभग उसी वक्त आया, सो टाइम में द ईविल विथिन के टाइम पे ही एक गेम आया था, आसपास में ही, एक साल के या 6 महीने का आसपास में ही, तभी मुझे ऐसा ही लगा। मैंने गूगल तो नहीं किया इस गेम के बारे में। तो गेम काफ़ी मुझे अच्छा लगा ट्रेलर देखने से मुझे, तो फटाफट से मैंने इंस्टॉल कर लिया इस गेम को। तो ये रिमास्टर्ड वर्शन है। अगर आपका PC बहुत लो एंड है, जिसमें आपका GT 710 है, मॉनिटर 720p है, तो उसमें आप रिमास्टर वर्शन ना ही डालें तो बेहतर होगा। नॉर्मल वर्शन ही खेल लो, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है ग्राफिक्स में, सिर्फ 19-20 का फ़र्क आएगा। लेकिन GPU कंज्यूम ज़्यादा करेगा रिमास्टर में, आप खेलेंगे तो GPU का ग्राफिक्स ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो यह हमारा गेम प्ले का स्टोरी यहाँ शुरू होता है। तो इस बंदे का एक्सीडेंट यहाँ पर होता है। तो यह अभी बंदा ज़िंदा है या नहीं है देख रहा है, इसे पूरा स्टोरी देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। I was convinced they put me in jail and I would never see Alice again. क्या हुआ? ओ, लाश गायब हो गई। वो जब ही आत्मा बन गई क्या? Suddenly his body was gone. Okay, episode 1 nightmare. ठीक है। I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Okay, right analog. घुमाने को बोल रहा है, लाइट की तरफ देखने को बोल रहा है। नहीं भाई, मुझे रिवर्स रखना नहीं है, मुझे सीधा ही रखना चाहिए एनालॉग को। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करूँगा तो मैं गेम प्ले में, शूटिंग में कंफ्यूज हो जाएगा। तो नो ही करना ऑप्शन, वही बेस्ट तरीका है। तो काफ़ी सारे स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे जल रहे हैं। ओके, मुझे उस लाइट हाउस के पास जाना है। ये चैप्टर में मुझे लाइट हाउस के पास जाना है। तो उसकी कार ख़राब हो चुकी है या? ओके, यहाँ से नहीं जा सकती कार, आगे रोड बंद है, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे डीमंस आ चुके हैं, मुझे भागना चाहिए यहाँ पर। अभी मेरे पास कुछ वेपन्स नहीं है। पहले के गेम्स बहुत सिंपल होते थे यार, सिर्फ हेल्थ अपग्रेड करो, वेपन्स अपग्रेड करो, और गेम में सीधा सीधा गेम प्ले होता था। अब के गेम्स में ना कान की बाली से लेके पैर के घुंघरू तक ना सभी चीज़ों को अपग्रेड करने का ऑप्शन देता है। वो मुझे बहुत ही इरिटेबल लगता है। वेपन्स भी अपग्रेड करो, ये भी अपग्रेड करो, वो भी अपग्रेड करो, 500 चीज़ें अपग्रेड देता है, तो थोड़ा गेम में इंटरेस्ट थोड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं एल्डन रिंग, ये बहुत अच्छा गेम है। एल्डन रिंग बहुत अच्छा गेम है, मैंने खेला, कम्प्लीट किया, लेकिन उस टाइप में उसमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड को दिया है उसमें। अब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, गेम अब बहुत अच्छा है, मैंने भी खुद कंप्लीट किया है उस गेम को। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मैं बोलो, मैं भी उसका भी वीडियोस मैं ज़रूर डालूँगा। तो यहाँ पे पहले डीमंस से बसते हैं।
ओके तो उसमें हर चीज़ का अपग्रेड ज़रूर दिया है। एक तो ब्लेड्स का अपग्रेड करना है, फिर हेल्थ का अपग्रेड करना है, स्टैमिना का अपग्रेड करना है, फिर वेपन उठाने का अपग्रेड करना है, वेपन पावर्स का अपग्रेड करना है, हर चीज़ का उसमें अपग्रेड बहुत ओवर दे दिया है यार। तो ठीक है, वो गेम अपने आप में सही है, तो गेम अच्छा है वो, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड होने में मुश्किल है वो। तो गेम बहुत अच्छा है, मैं उसे कोई 10 out of 10 तो मैं ज़रूर देगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग शुरुआत में बहुत कम हो जाता है। कोई भी बंदा है तो शुरुआत में वो गेम पकड़ा दिया तो अंडरस्टैंड नहीं होगा। वो ओपन वर्ल्ड गेम है, यहाँ पे बंदा इससे फाइट करेगा क्या? फाइट करेगा क्या? ओ, इसके पास गन रह के भी ये कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसका। हंटिंग कैसा करना है इसके साथ? गन की गोलियां भी इसे असर नहीं हो रही। ओके, तो यहाँ पे एक दरवाजा है, खोलकर भागते हैं। यहाँ पर ये आंखें, टीवी में आंखें है। द इविल विथिन 2 में शुरुआत के चैप्टर में भी ऐसी आंखें दिखा रहा था स्टेफानो का एंट्री के वक्त। नहीं, यहाँ से तो नहीं जा सकता, जो दरवाजे से आया हूँ वहाँ तो बाहर मेरी जान लेने के लिए घात लगा के बैठा है वो ऑलरेडी। एक बंदा, जो भी जाना है यहीं से जाना है। तो स्टक हो गया क्या मैं यहाँ पर? ओ, हेल्थ डिक्रीज हो गया है। ओ, पूरी तरह से हेल्थ डिक्रीज हो गया। ओके, खुल गया यार रास्ता। ये क्या है? स्क्रीन पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। ओके, फॉलो द लाइट, फॉलो द लाइट, ठीक है। ओके, क्या होगा इसके नीचे? ओके, तो जहाँ पे लाइट है वहाँ पे मेरा हेल्थ रिजनरेट जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई हेल्थ पैक्स वगैरह नहीं रहते इस गेम में, तो लाइट के नीचे ही, लाइट के आसपास ही मुझे रहना चाहिए, तो हेल्थ रिजनरेट होगा ऑटोमेटिक। ओके, ये ट्रेनिंग कर रहा है यहाँ, सुनते हैं लाइट क्या बोल रहा है वहाँ पर। जिस तरह हैरी पॉटर में अचानक रास्ते बन जाते हैं ना मैजिकली, ऐसा ही बना है यहाँ पर। उस लाइट की रोशनी ने रिपेयर ही कर दिया वो स्टेयर्स को। ओके, लिमिट से ही रख सकता हूँ मैं रिवॉल्वर के एम्यूनिटेशन, सॉरी एमओ एम्यूनिटेशंस। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे? फ्लैश लाइट। ओके, तो यही यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। तो फ्लैश लाइट एक एक तरीके से टारगेट के लिए सेट करने का काम करता है, और उनके बॉडी का डीमन भी हटा देता है। तो वो ह्यूमन के रूप में जब आएगा तभी हमारे गन के एम्यूनिटेशंस काम करेंगे। पहले मारेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी शैडो से रहती है, तो बुलेट्स लग के भी ना वेस्ट हो जाता है। तो उनके बॉडी से पहले शैडो हटाना पड़ेगा। शैडो हटाने से ही तब जाकर हमें गोलियां इनके ऊपर असर होती है। बाप रे, तो काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया इस गेम का, मुझे पसंद आया ये। ओके, तो इसका ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। सिंपल ट्रेनिंग था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मुझे अब उस लाइट हाउस के पास जाना है। और आपके पास ओल्ड वर्शन पीसी है, अगर आपके पास GT 710 या 750 जैसा ग्राफिक कार्ड है तो आप रीमास्टर वर्शन से थोड़ा दूर ही रहना। अगर आ गया तो ठीक है, आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लो, अगर अगर कंपैटिबल है तो आप ये ट्राई कर लेना, और नहीं तो आप नॉर्मल वर्शन ही ले लो, बेस्ट रहेगा वो। कुछ खास फ़र्क नहीं है, जस्ट 1920 का ही आपको फ़र्क महसूस होगा रीमास्टर में।
जस्ट 19:20 का, आप जहाँ पे रॉक्स ग्रे कलर में होते हैं वो थोड़ा ब्राउनिश दिखते हैं, थोड़ा जो भी प्रोटैगनिस्ट होते हैं थोड़ा स्मूथ दिखते हैं, ज़्यादा रीमेक मतलब रीमास्टर मतलब रीमेक जैसा ग्राफिक्स तो नहीं होता है, जस्ट 19:20 का ही फ़र्क होता है। तो यहाँ पे टॉर्च लाइट ऑटोमेटिक फुल हो जाता है अगर हम बैटरी यूज़ ना करें तो, लेकिन हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, क्यों मतलब अचानक से 3 से 4 एनिमीज आ जाए तो फ्लैश लाइट धीरे धीरे फुल हो रहा है वो, तो वो धीरे धीरे फुल हुए तक तो हम रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ से 2 रास्ते दे रहा है, पहले यहाँ से जाकर देखता हूँ एक बार। ओके यहाँ क्या मिला है मुझे, कुछ फ्लास्क जैसा मिला है। ओके 100 में से 1 मिला है मुझे अभी, तो अभी 99 कहाँ मिलेंगे यार, मेरा फर्स्ट प्ले थ्रू है ये, लगता तो नहीं मुझे 100 पूरे मिलेंगे, मुश्किल से 20-30 मिल जाएंगे पूरी गेम एंडिंग तक। ये क्या हुआ यार, ओ ऐसे कैसे हो गया ये, मैं तो फ्लैशलाइट में इतना पावर आ गया क्या मेरे, अरे यार मैं फ्लेयर गन यूज़ कर रहा हूँ यार यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली ये जो लास्ट गन लास्ट बुलेट्स जो लेता है वही यूज़ कर रहा है यहाँ पर। ओह मुझे फ्लेयर गन यूज़ करना नहीं था, फ्लेयर गन एक्चुअली जहाँ पे जॉम्बिस ज़्यादा हो जाएंगे, 4 से 5 जॉम्बिस घेरते हैं ना, वहाँ जाकर यूज़ कर लेना बेस्ट रहेगा। आपको कुछ भी फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा रीमास्टर में और नॉर्मल गेम में, थोड़ा 19:20 का रहेगा, आप ग्राफिक डिटेल्स देख सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। अब नॉर्मल भी गेम प्ले आप देख सकते हैं, रीमास्टर का भी देख सकते हैं, आपको उसे 19:20 का रहेगा, लेकिन GPU आपका कम पावरफुल का भी लग जाएगा आपको नॉर्मल वाला लेंगे तो। मुझे थोड़ा गेम में इंटरेस्ट बनाया है, थोड़ा अभी तो इंटरेस्ट है बनाया है थोड़ा इस गेम ने, तो आगे जाकर खेलने के बाद पता चलेगा। तो मैं कटसीन्स तो कट नहीं करूँगा यहाँ पर, पूरे कटसीन्स मैं यहाँ पे लगाऊँगा। गेम की शुरुआत ही कुछ खास नहीं है, आते आते ही इसके बैटल करने का गेम में अवसर आया है यहाँ पर। एलन वेक अप, ओ इसने ड्रीम देखा था क्या अभी तक? दिन में भी ये सपने देखने लगा क्या, इतने भयानक भयानक? मुझे लगता है आगे का गेम प्ले ऐसे ही होगा, जो ट्रायल वर्शन मुझे खिलाया गया है अभी, जो मैंने खेला है वो ट्रायल वर्शन दिखा है, क्या ये वही गेम है अभी मैंने थोड़ी देर पहले खेला है? इतना अच्छा ग्राफिक्स, वेलकम टू ब्राइट फॉल्स, ठीक है बहुत ही सुंदर ग्राफिक्स है, बहुत ही पुराना गेम भी है और बहुत ही सुंदर ग्राफिक्स है ये। ओके अंधेरे से दिन में आने के बाद कितना अच्छा लग रहा है यार मौसम यहाँ पर, मुझे आसपास देख लेना चाहिए अगर कुछ फ्लास्क वगैरह कुछ भी मिल गया तो। ये कौन है, लड़की है क्या? लड़की है नहीं भाई, लड़का है वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा मुझे लड़की ही लग रहा था वो। ओके यहाँ पे कोई फ्लास्क वगैरह तो नहीं है, उस साइड जाकर देखता हूँ मैं, देख लिया मैंने ऑलरेडी यहाँ। ओ इस गाड़ी में तो खून पड़ा हुआ है यार, सूख गया वो।
यहाँ कुछ है? नहीं है। ओके, तो ये बुड्ढे से मुझे वार्तालाप करना है। ठीक है, बात करो। तब तक के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ। Pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. तो हो गया बुड्ढे से वार्तालाप। गेम की स्टोरी जाए तेल लेने। मुझे तो गेम खेलना है, तो कट सीन्स तो मैं कट नहीं करूँगा, तो गेम का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो अंग्रेज़ी कुछ खास आती नहीं यहाँ पर, और जितना भी समझ में आता है मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूँ। समझ में नहीं आए तो जो काल्पनिक है वो मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी मिसेस है, वाइफ लग रहा है मुझे, एलन की, और इसका नाम एलाइस है। एलाइस नाम बहुत सीक्वल है यार, एलन और एलाइस। अब इसका कोई बेटी हुई या बेटा पैदा हुआ है तो क्या नाम लगा देंगे? आइसक्रीम लगा देंगे क्या? ओके, बक्की से बात कर रहा था वो। काफी सुंदर ग्राफिक्स है यार, एक्सपेक्ट नहीं किया। वो अंधेरे में ना उतना महसूस नहीं हुआ मुझे ग्राफिक्स, यहाँ डे टाइम में ना ग्राफिक्स बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। ऐसा लगता है गेम शायद 3-4 साल पहले ऐसा आए है, उस टाइम की ग्राफिक दिख रही है मुझे, लेकिन ये गेम बहुत ही पुराना गेम है। हाँ, ये रिमास्टर तो ज़रूर है, लेकिन ग्राफिक्स में कुछ 19-20 का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा मेजर। ओके, यहाँ पे बटन दे रहा है। ऑल राइट, तो कट सीन लगाए, कट सीन पूरा देखते हैं, उसके बाद मैं कट सीन का एक्सप्लेनेशन हो सका तो कर दूंगा मैं। Thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Odeer Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. ओके, तो ये कोई फेमस राइटर ऐसा लग रहा है मुझे, उसके कटआउट से देखा तो उसके हाथ में किताब जैसा लग रहा है, तो वही फेमस राइटर होगा जो रिसेप्शनिस्ट से देख के इम्प्रेस हो गई है, हमारे होटल में इसके कदम पड़ गए, मुझे तुमसे मिलने के बाद मेरा जन्म धन्य हो गया, ऐसा बोल रहे। यहाँ पे देख सकते हैं कटआउट में हाथ में कुछ किताब है, तो ज़रूर कोई राइटर होगा। तो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है यहाँ पर आने के बाद, तो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, तो होता भी है यार, यहाँ खुली हवा में सांस लेने गए तो हर कोई पीछे पड़ जाता है, ज़्यादा फेमस भी हो गए तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, ये तो सही है। ये कुछ बोल रहा है, जूक बॉक्स में गाना लगाने को बोल रहा है। ठीक है, सॉन्ग नंबर 6, ऐसा कुछ बोल रहा था। You put the lime in the coconut, drink them both up. Just because we're brothers, don't you? ओके, प्ले हो रहा है या नहीं गाना? ओके, ए ए ए ए इतना छोटा सा रिपेयर था क्या उसका? अंदर तो नहीं जा पा रहा हूँ।
ये कौन है ऐसा भय से देख रही है, वो डर डर के देख रही है, वो लड़की है ना, वो वार्न कर रही हो अंदर जाने से, अंदर कुछ है। ये क्या है, लेडीज टॉयलेट, ये क्या है पता नहीं। वो बुढ़िया झांक झांक के देख रही है, जरूर कुछ प्रॉब्लम है। हेलो मिस्टर स्टकी, स्टकी स्टकी के वो बुला रहा है यार। ये कौन है, क्या यही स्टकी है क्या? चाबी, एक नोट, क्या है ये? ओके तो स्टकी नहीं है, बदले में मैं तुझे दे रही हूँ ये चाबी और डायरेक्शंस बोल रही है वो, तो ज़रूर कहीं ये जाने वाला है छुट्टी मनाने या कुछ, लगता है कुछ घर का चाबी होगा और डायरेक्शंस बोल दो, एड्रेस होगा ये वहाँ पे जाकर, एड्रेस पे उसे चाबी, वो चाबी उस दरवाजे का होगा, लकी मैन बोल रही हो। ओके ये एंजॉय कर रहे हैं जुक बॉक्स के गानों से, स्टाफ ओनली, ठीक है। ओके पुलिस वाला भी मुझसे वार्तालाप कर रहा है, ठीक है तेरे से तो बाद में मैं लिपटता हूँ मैं। क्लोज्ड, ठीक है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड, द की एंड द डायरेक्शंस, माय हीरो। इतना अच्छा क्यूट है यार ये बंदा, इतना अच्छा स्मार्ट, इतना। ये कौन है? अरे ये स्टकी है, चाबी। ओके मुझे अभी मांजरा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है वो औरत ने कोई गलत एड्रेस दिया, गलत चाबी दिया है। एक्चुअल में ये चाबी स्टकी देने का था उसके, उसको घायल कर दिया है उसने, घायल करके इनको फंसाना चाहती है वो। ज़रूर कुछ इन पे दुश्मनी ज़रूर होगी, या तो इसके मिसेस के ऊपर या ये एलन के ऊपर, एलिसिया एलन के ऊपर। तो उन्हें फंसाने के लिए गलत डायरेक्शन, गलत चाबी दिया होगा। एक्चुअली स्टकी वहाँ पे था, उसे होश आके बाहर आया तलक हम रफा दफा हो चुके थे। तो देखना है आगे गेम कहाँ पे मोड़ लेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये हमारा घर आ गए है, जो एड्रेस उस बंदी ने दिया। अजीब थी यार वो, मुझे उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। और जो स्टकी पीछे से आया था उससे तो मुझे कंफर्म लग रहा है उसके तो इरादे नेक नहीं हैं। ओके सामने से दे रहा है तो एक बार पीछे जाकर मुझे देख लेना चाहिए कुछ है या नहीं। मैं कार से उतरा हूँ तो कार कहाँ चले गई, ऊपर जाकर देखता हूँ। अगर इनकेस वो चढ़ रहा है तो जाते रहूँगा। 100 थर्मास लेना है मुझे, 100 में से एक मिला है मुझे, एक या दो, एक ही मिला है तो शायद यहाँ भी मिल जाए। तो ये पास पास में ही कहीं रखता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। बस 2 मिला है मुझे, एक तो गेम प्ले में मिला था, एक कहीं की डाइनर में मिला था, डाइनर यानी कि जो होटल अभी जो वहाँ से होकर आया। 2 यहाँ पे, ओके यहाँ पे भी एक है, अंदाज़ा लगा था मुझे यहाँ पे मिलने का। तो अभी यहाँ से आगे तो नहीं जाऊँगा, तो लगा हुआ है डेड एंड वहाँ पे। 100 तो नहीं मिलेंगे मुझे, मुश्किल से 30 या 40 मिल जाएंगे मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये मेरा पहली बार, मेरा पहला गेम प्ले है ये, तो हर चीज़ तो नहीं मिलने वाली है यहाँ पर।
जो जितना भी मुझे आँखों को दिखेगा वही मैं लेऊंगा भाई। तो ज़्यादा ढूंढ ढूंढ कर लेने का मुझे अभी ख्वाहिश तो नहीं है इस गेम में। एक बार मुझे गेम कंप्लीट करना है, बाजू रखना है मुझे। और 100 लेने से क्या होगा पता नहीं, क्या अनलिमिटेड गन खुलने वाली है या अनलिमिटेड हेल्थ खुलने वाली है, उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो गेम कंप्लीट करना है, बस यही मेरा पेशा है इस गेम को। गेम इंटरेस्ट तो बना के रखा है शुरुआत में, तो आगे देखकर देखना है कि गेम खरी उतरती है या नहीं। मूव्स तो अच्छे हैं इस गेम के। हाँ प्लेयर इसमें राइट साइड चल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर गेमों में रेजिडेंट ईविल 4 या कोई भी ईविल विथिन हो, लेफ्ट साइड से चलते रहता है, इसमें राइट साइड से चल रहा है ये। ओके कैबिन में आ गए हैं। ओके तो घर में पावर नहीं है, पावर लगाना है मुझे, तो पावर स्टेशन बाहर ही रहता है। ज़्यादातर गेमों में पावर स्टेशन बाहर होता है, या तो घर के अंदर कोई फ्यूज़ बॉक्स होता है, तो यही होगा। और यहाँ नहीं है तो अंदर रूम्स में ही कहीं फ्यूज़ लीवर खींचने का होगा। दरवाज़ा है क्या यहाँ? नहीं। ओके यहाँ पे है, खोलते हैं। क्या है यहाँ पर? ओके दो बार तीन बार, क्या पावर आएगा अब अंदर? पावर आ गया है क्या या नहीं, देखते हैं एक बार, अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा। मुझे लगता है पावर आ गया है, और कटसीन भी कट हो गया है यहाँ पर, तो देखते हैं भाई का कटसीन यहाँ पर। I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Okay. Okay, तो मेरा गेमप्ले स्टार्ट हुआ है। छोटा सा कटसीन था वो। ये तो हमारा पावर हाउस था। मुझे अब घर के अंदर जाना है, रिटर्न टू एलाइस एलाइस एलन। ठीक है तो यहाँ नीचे देख लेता हूँ मैं, कुछ स्टफ मिलेगा या कुछ और मिलेगा। I'd never heard of him before. ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से चेक कर लूंगा, यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पर यहाँ कुछ चमक रहा है यार, क्या है ये? रेडियो लगता है मुझे, ये रेडियो ही है। ओके रेडियो ही है वो। ओ एक और फ्लास्क, चारों फ्लास्क मिले हैं मुझे। गेम की शुरुआत है तो फ्लास्क तो मिल रहे हैं मुझे, आगे जाने के बाद पता चलेगा और कितने फ्लास्क मिलेंगे मुझे। आगे गेम प्ले में अगर बैटल स्टार्ट हो गया तो मुझे तो शुरुआत में बैटल बहुत पसंद आया। सरप्राइज क्या है? अरे यार मेरे सोए अरमान मत खड़ा करो यार इस तरह से आकर। Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of कुछ बहस हो रहा है उनके बीच में। He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Uh-oh. Alan? Alan? I don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alan. यहाँ जरूर कोई पैरानॉर्मल घटनाएं घट रही है, कुछ छलावा आ रहा है भूतों का अंधेरे में। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वाइफ को इसके ऊपर कुछ
बीमारी का कुछ अंदाज़ा लग रहा है, तो वो डॉक्टर से बात करने को बोल अपॉइंटमेंट ली है, तो ये उससे नाराज़ है। तो ये शायद मेंटली कोई प्रॉब्लम है ऐसा सोच रही है कि, या सच में या मेंटली प्रॉब्लम है पता नहीं मुझे। तो इन दोनों चीज़ों में इनके ऊपर ये तूतू मैं हो गई यहाँ पर। ओके, यहाँ पे कुछ हुआ है एलाइस को, मुझे जाना है अंदर, कुछ तो हुआ है वहाँ पे, उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। ओ ये क्या है, बर्ड्स, कवे, हटो यार, मुझे पहले मुझे बूढ़ी बीवी को बचाना है यहाँ पर। सुंदर तो नहीं है यार वो, फेस कट उसका नाजुक नहीं है, उसका बग्गड़ है इसकी वाइफ का। ओ पानी में ढकल दिया उसे कोई, और ये एक सेकंड भी नहीं सोचा, पानी में कूद गया। ये होता है यार सच्चा लव, एक सेकंड भी नहीं सोचा उसने। अब ये कहाँ टेलीपोर्ट होकर आ गया, गिरा तो था पानी में, यहाँ पे क्या है, ये कार में कैसे आ गया, कार का एक्सीडेंट कब हो गया यार, कार का एक्सीडेंट शुरुआत में तो हुआ था सपने में, वो बाहर निकल गया था, यहाँ पे तो कुछ और दिखा रहा है। क्या ये गेम थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से होता है क्या, देखते हैं आगे खेलने के बाद पता चलेगा। ओके तो अंधेरी दुनिया में फिर से हमारा स्वागत हो चुका है यहाँ पर। मुझे लगता है अब यहाँ से वही जो शुरुआत के ट्रायलर में मैंने खेला है, तो यहाँ पे ज़रूर रिपीट होने वाला है। तो मौसम वही लग रहा है, एरिया भी वही लग रहा है मुझे, तो यहाँ से कोई जाने का रास्ता तो नहीं है। चैप्टर एंड होते ही मैं अपना गेम प्ले एंड कर दूंगा। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी, मैं मोर देन 30 मिनट से मैं खेल चुका हूँ ये गेम। तो पहला चैप्टर ही इतना बड़ा चैप्टर है, देखता हूँ अभी कितना बड़ा चैप्टर है। जैसे ही चैप्टर एंड होगा मेरा अपना गेम प्ले वहीं एंड करूँगा। इन बिटवीन में मैं एंड करूँगा तो गेम, अगर नेक्स्ट गेम प्ले में एक्सप्लेनेशन करने में मुश्किल हो जाएगा गेम, तो पूरा मैं चैप्टर कंप्लीट करके ही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं, तो कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे कार गिरने से मैं दोबारा से आकर देख लिया मैंने, कुछ नोट वगैरह फ्लास्क वगैरह कुछ रहेगा तो। मुझे लगता है अभी बैटल शुरू नहीं होगा क्योंकि मेरे पास अभी हथियार कुछ भी नहीं है, फ्लैशलाइट भी नहीं है मेरे पास। अगर बैटल करना भी पड़ा तो मुझे बच के भागना ही पड़ेगा यहाँ पर, अगर वो डीमस अटैक भी कर दिए तो। ओ हेलो, समवन देयर, पेपर, क्या होगा इस पेपर में। द लूज शीट्स ऑफ पेपर वर पेजेस फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो एक तरफ से ये पर्सनल डॉक्यूमेंट ही समझो। खून बह रहा है यार, उसके सर पे चोट लगी है। ओके तो रीड करना है तो सेलेक्ट बटन, ठीक है। ओके तो इतने सारे मुझे मैन्युस्क्रिप्ट लेना है पूरी गेम के लिए। ओ नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एपिसोड वन में ही मुझे इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट लेना है मुझे। क्या इजीली फाउंड होगी या ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं, जो भी मिला सामने वही लूँगा मैं ज़्यादा सरफोड़ी तो नहीं रख लूँगा मैं, जो मिला वही रख लूँगा मैं। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस गेम का, अगर दोबारा अगर खेलना पड़ा तो ऑल कलेक्टेबल्स लेने की कोशिश करूँगा मैं।
अंधेरे में समझ में नहीं आता यार, जाने वाला रास्ता सही है या अलग है। पूरा लेफ्ट साइड से ही चल रहा है यार, सॉरी राइट साइड से चल रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। अभी तक मैं जितने भी रेजिडेंट ईविल हो या ईविल विथ इन हो, प्रोटैगनिस्ट लेफ्ट साइड होता है, इसमें राइट साइड है। ओके, तो मुझे गैस स्टेशन के पास जाना है, ठीक है। ओके, तो मुझे इस पेड़ की डाली के ऊपर से जाना है, तो आसपास देख लेता हूँ अगर कुछ फ्लास्क या स्क्रिप्ट मिल जाए, मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया तो ले लूँगा, नहीं तो पेड़ की डाली पे ही चढ़कर चला जाऊँगा मैं। चढ़ेगा ऊपर तो केयरफुली मुझे ऊपर चढ़ना है। ओके, हेल्थ थोड़ा सा डैमेज हुआ है, कोई बात नहीं। काफी सारे पेड़ काट के रखे हैं यहाँ पर, पेड़ के डालियाँ। कटसीन लगाए, देखते हैं। स्टकी है यार, ये डीमन बन गया ये। वो मुझ पे हमला क्यों नहीं किया, वो था डीमन में, हमला क्यों नहीं किया। मुझसे थोड़ा बात तो किया है उसने, अटैक क्यों नहीं किया वो। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पास कुछ वेपन्स नहीं है तो इसलिए अटैक नहीं किया, या तो वार्न करके चला गया क्या मुझे। ओके, स्क्रिप्ट है यहाँ पे, मैनुस्क्रिप्ट। ओके, काफी सारे पेड़ के लकड़ी काट के रखे गए हैं यहाँ पर, कुछ तो कर रहा है यहाँ पे स्टकी। ओके, क्या अब ये मुझ पर अटैक करेगा। यहाँ पे तो कुछ हाउस है, उसमें चला जाता हूँ मैं। यहाँ पे कट सीन लगा है, देखते हैं। स्टकी तो जान का दुश्मन बन गया मेरा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो डीमन बन का रूम डीमन का रूप बन के आ गया उसका। ओके, तो फोन उठाने को बोल रहा है, पहले यहाँ क्या स्टफ उठा लेता हूँ, बंदूक की गोली हो या फ्लैश लाइट के बैटरीज हो। गेम एंटरटेन तो कर रहा है यहाँ पर, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है यहाँ पर। गेम पुराना है लेकिन मुझे नया एक्सपीरियंस करने को मौका मिल रहा है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं। ओ बुलडोजर लेकर आके हमला कर रहा है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। ओके, यहाँ पे खुल गया दरवाज़ा, पहले नहीं खुला यार। ओके, खुल गया ऑटोमेटिकली। ओके, तो दुश्मन आ गए हैं, तो मुझे फ्लैशलाइट की बैटरीज भी मुझे सेव करते रहना चाहिए। जब दो से ज़्यादा एनिमीज आएंगे तो मैं यूज़ करूँगा बैटरीज, अगर दो या दो से कम रहेंगे, एक रहेंगे, तो एक ही बैटरी में मैं काम चलाऊँगा। पता नहीं आगे वो ज़्यादा मिलेंगी भी या नहीं, तो ऑटोमेटिक वही बढ़ रहा है अगर यूज़ नहीं करे तो।
यहाँ पर क्या है अभी, ये क्या है? ओ बहुत सारा लाइट था ये तो। ओके वो एनिमीज नहीं आने से पहले ही मुझे ये लाइट जला लेना था, तो मैं फ्लैशलाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट अटैक ही कर देता था मैं। ओके ये क्या है? एरो मार्क दे रहा है वहां पे जाने के लिए, देखते हैं वहां पे। ओके ओके यहाँ पे कुछ है। ओके फाइन, फ्लेयर गन यूज़ नहीं करूँगा मैं, और एनिमीज़ ज़्यादा है, राउंड अप ज़्यादा किया है, तो तब जाके मैं यूज़ करूँगा वहाँ पर। मोमेंट्स अच्छे लगे मुझे प्लेयर के, एक्शन पार्ट भी मुझे अच्छा लगा, फ्री फॉर्म है, पसंद आई मुझे गेम, बहुत पसंद आया मुझे एलन वेक। पार्ट टू का पता नहीं, तो पार्ट टू ही खेलना मेरा इरादा था, लेकिन वन ना खेले तो टू का मज़ा लेके क्या करूँ मैं, सिर्फ ग्राफिकली एग्जांपल लेने के लिए। तो वन खेलना मुझे अच्छा लगा, वन खेलने के बाद ही टू खेलूँगा मैं। पार्ट वन पार्ट टू, अगर उसमें भी ऐसे ही एक्शन बैटल ऐसे ही रहेगा तो मैं ज़रूर खेलूँगा। ओके मैन्युस्क्रिप्ट इतना लास्ट वाला क्यों मिला है, लास्ट से फोर्थ वाला मिला है मुझे, क्या बाकी के मैं ले नहीं पाया है क्या, मुझे नहीं मिले क्या? मुझे क्या करना है, सीधा सीधा रास्ता मिल जाना है, गेम कंप्लीट करना है, वो सब लेकर भी मुझे कोई अनलिमिटेड गन खोल के क्या मुझे गेम कंप्लीट करना भी तो नहीं है। ओके इसे भी सेबेस्टियन कास्टियानो इविल विथिन में जो सर पे बीप बजे तो इल्यूजन्स जो आते रहते हैं, इसे भी वैसे ही आ रहे हैं यहाँ पर। ओके तो मुझे इस पेड़ की डाली पे सीधा सीधा चलना होगा। I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. आगे से जाऊं या पीछे से? पहले पीछे जाकर देखता हूं, पीछे शायद कुछ मिल जाए। अब मिल गया तो अगर ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हो या थर्मास हो, मिल गया तो ले लूँगा, लेकिन ज़्यादा मैं सर्च तो नहीं करूँगा, जितना देखना है उतना ही देखूँगा, ज़्यादा कलाकारी तो नहीं झाड़ूंगा मैं यहाँ पर, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे गेम, रिचनेस फील कर रहा है मुझे गेम खेलने से, बहुत रिचनेस फील हो रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ बक्सा जैसा लग रहा है यार, उस पर कि यहाँ पे कुछ बक्सा जैसा लग रहा है, क्या मैं जाके एक बार सर्च करूं या छोड़ दूं मैं? चल छोड़ देते हैं, और खाली सिर्फ डेकोरेशन डब्बा रहा तो फिर वेस्ट हो जाएगा उतनी दूर जाने के बाद। आगे का गेम का रास्ता पकड़ रहे हैं यहाँ पर। ओके तो डीमननेस चले गया उसका। अभी गोली मारना है उसे, ठीक है। तो दो डीमंस आए थे, दो डीमंस को मैंने टपका दिया यहाँ पर।
और कोई है मुझसे लड़ने के लिए? रास्ता कहाँ होगा यहाँ पर? सारा का सारा एरिया लॉक दिख रहा है यहाँ पे, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, पूरी तरह से ब्लॉक है यहाँ पे। यहाँ से नीचे कूदना है क्या? ज़मीन तो नज़दीक ही दिख रही है मुझे, नीचे जाना है या ऊपर ही कहीं रास्ता है? एक बार नीचे जाता हूँ। ओ ओ, काफ़ी डाउन था वो, गिरने के वक्त महसूस हुआ वो काफ़ी डाउन है वो। फ्लैशलाइट मारने से वो नज़दीक लग रहा था। ठीक है, अभी तो मालूम पड़ गया वहाँ पे जाने का तो नहीं है। ओ ओ, ये कहाँ से आ गया? इसको मैंने इग्नोर कर दिया, ये दूसरे एरिया से आ गया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ अरे यार पानी में चला गया, शिट। मुझे पहले एक एक को पहले फोकस करके मारना चाहिए। मैं इसे दो गोली मार रहा हूँ, उसे दो गोली मार रहा हूँ, तो तरीका गलत है खेलने का वो। तो पहले एक को टपकाना ज़रूरी है। फाइन, बहुत ही इजी था यार, क्यों उस चांस में ऐसा हो गया पता नहीं। मुझे रास्ता ढूंढना होगा यहाँ पर, वो रास्ता गलत है। कहाँ गए? वहाँ बुशेस है, रॉक्स है, या तो खाई है। यहाँ से चढ़ेगा? ओके, मुझे नहीं लगा था वो चढ़ेगा, आखिरकार चढ़ गया वो। पता नहीं चैप्टर कब एंड होगा, बहुत देर से खेल रहा हूँ, अभी नाइटमेयर चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ। इतना बड़ा चैप्टर, चैप्टर वन, पहला चैप्टर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए यार। अभी 10 मिनट चला गया तो 1 घंटे का गेम प्ले हो जाएगा मेरा यहाँ पर। एक्चुअली वैसे चैप्टर्स कितने होंगे इस गेम के? और चैप्टर्स बड़े हैं तो ज़रूर चैप्टर्स भी तो कम होंगे ना। ओके, तो मुझे इसके ऊपर चढ़ना है, तो टूटा हुआ है स्टेयर केस, तो दूसरा रास्ता बनाकर जाना है मुझे। तो सामने कुछ है, बॉक्स खोलते हैं। खोलेगा? खोल दिया इसने। ओके, रिवॉल्वर एम्यूनिटेशन, बैटरी मिला है मुझे। रास्ता ढूंढना है मुझे। ओके, नो पावर, तो अब वो पावर एक्टिवेट करने के लिए ज़रूर कुछ लफड़ा ज़रूर होगा वहाँ पर। इजीली तो ऑन करने तो नहीं देगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। कहाँ होगा? सामने ग्रीन लाइट दिख रही है, वहीं पे कुछ होगा यहाँ पर। तो उससे पहले ये कमरा क्या है? ओके, पहले इन लोगों को टपकाते हैं। दो है या तीन है यहाँ पर? ओके, तीन बंदे हैं यहाँ पर, वो अटैक भी कर रहे हैं, कुल्हाड़ियाँ फेंक के मार रहे हो। ठीक है, फाइन 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 फाइन, एक तो गया। गोलियां जल्दी रिलोड नहीं हो रही यार। ओके, हो गया यार, एक साथ तीन आए यार। पहले इस कमरे में जाकर चेक करते हैं क्या है यहाँ पर। मैनुस्क्रिप्ट, ओके, एक मिस हो गया, पता नहीं कहाँ था वो। ओके, यहाँ क्या है? बड़ी गन, शॉटगन मिला है यार, चैप्टर नंबर वन में ही शॉटगन मिला है मुझे। अभी मेरे पास बहुत तरीके की गना है यहाँ पर, फ्लेयर गन है, रिवॉल्वर है, शॉटगन है, 3 टाइप्स के गन्स है मेरे पास अभी। ओके, तो अब वो जाकर अनलॉक हुआ होगा,
ओके फाइन, तो मुझे यही प्लेस पे आना है, तो एनिमीज अटैक ना ही करे तो अच्छा रहेगा। ऑलरेडी तीनों को टपका दिया मैंने। काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार ये, मुझे गैस स्टेशन तक जाना है अभी, पता नहीं गैस स्टेशन कहाँ पे है। आधे घंटे का वॉक हो गया यार यहाँ पे, अभी गैस स्टेशन के पास पहुँचा ही नहीं मैं। ओके, तो एनालॉग घुमाने को बोल रहा है। ओके, ये दो ब्रिजेस के बीच में ये ब्रिज को लगाना है मुझे, क्या ये सही है? वो सिर्फ मूव करने के लिए बोल रहा है, कुछ अप एंड डाउन तो नहीं दे रहा है। कहाँ है? ओके, रिवॉल्वर के बाकी के ले लूँगा यहाँ पर। क्या ये गैप में जंप कर पाएगा? इतना सारा गैप है यहाँ पर, यहाँ पे गैप छोटा है, वहाँ पे गैप ज़्यादा है। एक बार थोड़ा और हटाकर देख सकूँगा। नहीं, ये तो अप एंड डाउन हो रहा है, ये लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, एक बार चढ़ के देखते हैं। यहाँ पे लैडर तो है यहाँ पर, ऊपर चढ़ने के बाद ही पता चलेगा वो जंप लेगा भी या नहीं। गेम खेल रहे तो थोड़ा रिचनेस फील हो रहा है यार वो प्रोटैगनिस्ट के देखने से। ओके, नीचे कुछ है, थर्मास है यहाँ पर, तो जितने भी मुझे आँखों के सामने मिलते हैं मैं ले लूँगा। स्पेशली मैं ढूंढ के तो लेने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो दिखा वो ज़रूर ले लूँगा मैं, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। लेकिन मैं तो गेम खेलने पे ही इंटरेस्ट हूँ मैं। वो सिर्फ कलेक्टेबल्स होगा, वो कुछ अपग्रेड्स वगैरह में तो कुछ काम का तो नहीं दिख रहा है मुझे। अपग्रेड्स है भी या नहीं वो भी नहीं पता। ओके, यहाँ ना कोई एम्यूनिटेशन है। ओके, जो ब्रिज टूटा हुआ, सॉरी स्टेयरकेस जो टूटा हुआ था तो वो यहाँ पे ही है। अंदर जाकर देखते हैं। ओके, रेडियो है, ऑन करते हैं। ओके, एरोमास दे रहा है, वहाँ पे जाकर देखते हैं। एरोमार्क, ओके, यहाँ पे कुछ है बॉक्स। ओके, सारा सामान मैंने ले लिया है, और यहाँ से कहाँ जाए? रास्ते का मार्किंग नहीं दे रहा है, लेकिन जो स्पेशल बॉक्सेस जो है उसको मार्किंग दे रहा है यहाँ पर। इससे दूसरी बार वो मार्किंग दिया है यहाँ पे स्पेशल बॉक्सेस के पास जाने के लिए, तो रास्ते का तो कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पर। ओके, एक और मैनुस्क्रिप्ट, कितने में मिलेगा मुझे? The gas station was closer now. It's light welcoming in the darkness. Okay, एक और थर्मास। पांच या छह तो मिले हैं मुझे अभी तक थर्मास। ओके, यहाँ पे कुछ आवाजें आ रही है, शायद अटैक होने वाला है यहाँ पर। कहाँ जाए? कहाँ जाए? ओके, यहाँ पे कुछ है, ऑन करके देखता हूँ। ओ ओ, अरे यार वो ज़ॉम्बी से डर के भाग गए यार लाइट को देखते ही। क्या वो दोबारा मिलेंगे यहाँ पर या नहीं? क्या ये लाइट परमानेंट रहेगा या थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा वो भी पता नहीं। जंक्शन तो है यहाँ पर, इन्वर्टर तो है, तो बंद नहीं होना चाहिए।
ओके, एक और थर्मास दिख रहा है मुझे वहाँ पर, ले लेते हैं। ओ ओ आ गए दोस्त मेरे। ओ ओ ओ ओ ओ फिजूल का प्रयास लग रहा है मुझे इनका। पास में लाइट है, मेरी हेल्थ भी दोबारा से बढ़ जाएगा अटैक कर रहे हैं इसे भी। हाँ, मुझे डॉज होना चाहिए यहाँ पे, डॉज सीखना चाहिए यहाँ पर, बिना डॉज के तो नहीं खेल पाऊँगा यहाँ पर। एनिमीज अटैक करेंगे तो डॉज करना ही पड़ेगा LB बटन से। ओके, पीछे से अटैक होने वाला है। क्या ये अकेला है और कोई है? ओके, और भी है यहाँ पर। एक और है यहाँ पर, मेरा हेल्थ थोड़ा कम है। लाइट है तो फास्टली हेल्थ रीजनरेट हो जाता है, नहीं तो स्लोली रीजनरेट हो रहा है बस। फाइनली मार दिया मैंने उसे। ओके, यहाँ पे लाइट है, जल्दी रिकवर कर लेता हूँ। फुल हो गया यहाँ पर, तो रास्ता ज़रूर यहाँ पे होगा, यहाँ से जाने का होगा। ओ ओ फिर से आ गई है। फाइन, एक और है बंदा, इसे भी मारते हैं। लाइट की रोशनी से बच रहा है, कब तक बचेगा भाई। फाइन, फिर से यहाँ पे लिमिट है या अनलिमिटेड है पता नहीं चल रहा है मुझे, बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, बुलेट्स कम होते जा रहे हैं मेरे पास। ओके, यहाँ भी अटैक हो रहा है सामने से और पीछे से, मुझे तीसरा पोजीशन लेना है। ओके, काफ़ी फास्ट है यार ये। यहाँ पे लिमिटेड है या अनलिमिटेड है पता नहीं चल रहा है। लिमिटेड ही रहना चाहिए, कब तक अनलिमिटेड आएंगे वो। मुझे लाइट में जाके एक बार रेस्ट लेकर फिर वापस आना चाहिए, ऐसा होगा तो मुश्किल हो जाएगा, हेल्थ कम है। फिर दो कदम डालूँगा तो फिर वो वापस आ गए तो परेशानी, नहीं आए तो ठीक है, आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बुलेट्स तो कम है मेरे पास, शॉटगन की गोलियाँ तो है, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड आ रहे तो बच के निकलना ही बेस्ट रहेगा यहाँ पर। अभी तक तो कोई नहीं आया अभी यहाँ पर। सामने मैन्यूस्क्रिप्ट दिख रहा है मुझे, चमक रहा है कुछ। ओके, वो स्क्रिप्ट ही है, मैन्यूस्क्रिप्ट। काफी बड़ा लॉन्ग प्ले हो चुका है यार ये, चैप्टर 1 ही बहुत बड़ा गेम है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर 1। फर्स्ट चैप्टर ही इतना बड़ा है तो सेकंड चैप्टर और कितना बड़ा होगा, थर्ड चैप्टर कितना बड़ा होगा, आने वाले चैप्टर्स कितने बड़े होंगे। ओके, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए या यहाँ से, पीछे तो नहीं। ओ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है पीछे तो नहीं जाऊंगा मैं, सामने से ही जाकर देखता हूँ, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ओके ओके आ गए अटैकर्स, एक दो तीन, अब तीन से मुझे फाइट करना है यहाँ पर। अगर इनको फ्लैशलाइट मारने के बाद भी ना, अगर थोड़ी देर तक हम उन पर अटैक नहीं करें तो ये दोबारा से शैडो में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर अगर हम गन से अटैक नहीं करें तो दोबारा से वो शैडो में कन्वर्ट हो जाते हो, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
ये शैडो हटाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कायम भी रख, पहले ही अटैक करके मार देना भी चाहिए उसे। गन रिलोड करे उतनी देर में वो दोबारा से अपने शैडो रूप में आ सकता है वहाँ पर। ओके, बटन कैलेंडर है, मैनुस्क्रिप्ट है, पता नहीं, बहुत पुरानी है जमाने की टीवी लग रही है वो। क्या दिख रहा है आसमान में? तारे, मिल्की वे दिख रहा है मुझे वो, तारे भी नहीं, मिल्की वे दिख रहा है मुझे, संबंध नहीं है उसका। तो बटन दबाने से गेट खुला है, यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ मैं। यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट मिला एक। ओके, तो चार पांच मैन्युस्क्रिप्ट मिलना था अभी मुझे, नहीं मिला मुझे। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ ना, देखते हैं आगे मिल जाए। यहाँ का प्लेस देखने से मुझे थोड़ा बुरे वाइब्स लग रहे हैं मुझे। अनलिमिटेड रिवॉल्वर गन्स के बुलेट्स हैं यहाँ पे, और फ्लैशलाइट के बैटरीज भी मिल रहे हैं। बड़ा बैटल होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, अनलिमिटेड रिवॉल्वर के गन के बुलेट्स दे रहा है यहाँ पे। आगे जाने के बाद पता चलेगा। पेटी भर के उसने हैंडगन एमोस दे रहा है, तो समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ बैटल है, बड़ा बैटल है, बड़ा बैटल होगा यहाँ पर। ओके, तो पोजीशन पीछे का ले लेते हैं, वो सामने से आना ही सही है। वो एक वे में आए तो ठीक है, वो तीन वे से आए तो परेशानी, मुझे अटैक करना मुश्किल लग जाएगा। कितना फास्ट आ रही है यार ये। ओ, यहाँ से अटैक, वहाँ से अटैक, हेल्थ कम है मेरे पास, असर नहीं हो रहा। वो शैडो रूप में है तो असर नहीं हो रहा है उनका। और कोई है? अभी आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ओके, स्टकी भी है यहाँ पर, स्टकी भी है यहाँ पर, तो स्टकी का डीवन स्टकी को मुझे मारना है यहाँ पर। तो ह्यूमन में वो अभी जिंदा है या नहीं पता नहीं। ओके, वो टेलीपोर्ट हो रहा है, स्टकी है यहाँ पर जो टेलीपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, स्पीड बन रहा है यहाँ पे। तो पहले उसके शैडो, ओ, वो इस तरह से भी अटैक करेगा तो डॉच करना होगा मुझे। वो स्पीड रनर भी है, वो इनविजिबल प्लस स्पीड रनर भी है। मुझे पहले उसका शैडो हटाना चाहिए, बाद में जाके मुझे उसका अटैक कर सकता हूँ मैं। उसके बॉडी का शैडो हटाना है, कहाँ है? स्पीड ज़्यादा है उसको, इधर उधर सर्च करना ही पड़ेगा मुझे। ओके ओके, कहाँ है, कहाँ है, और कहाँ है, कहाँ कहाँ कहाँ, मुझे शैडो देना है उसे। ओके ओके, फिर कहाँ चले गया, कहाँ चले गया, कहाँ चले गया? ओके, यहाँ पे। ओके, शैडो चले गया। हैंडगन बुलेट्स ही मारूंगा मैं उसे, वो पेटी भर के बुलेट्स है यहाँ पे तो वही लेके मारूंगा मैं, दूसरे वाले तो नहीं मारूंगा मैं। फाइनली मार दिया मैंने, तो स्टकी तो मर गया यहाँ पर, डीमन स्टकी। ह्यूमन वाला तो नहीं था, ह्यूमन वाला रहता तो मैं मारता भी नहीं था उसे। ओके, तो अभी भी गैस स्टेशन आया है या नहीं पता नहीं। जब वो उसका कार का क्रैश हुआ था तो पास ही में बाजू की रोड में है ऐसा दिखाया था, पैदल आ रहा हूँ तो बहुत लंबा दिख रहा है मुझे गैस स्टेशन। ओके, खोलते हैं यहाँ पर। ओके, गेट खुल गया यहाँ पर।
ऊपर चढ़ना, साइड में देख लेते हैं, कुछ फ्लास्क, थर्मास फ्लास्क मिल जाए। नहीं है तो ज़्यादा सर्च तो नहीं करूँगा मैं। I recognized the parade float I had ओके seen तो गैस स्टेशन आ गया है, पास ही में है। काफ़ी देर के बाद, बहुत बड़ा चैप्टर था ये, 1.25 घंटे का टाइम लग गया मुझे चैप्टर वन कंप्लीट करने में मुझे। तो अभी भी कंप्लीट हुआ है नहीं पता नहीं, गैस स्टेशन आया है तो कंप्लीट हो गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। पहले जो ट्रायल वाला मिशन था वो एक्चुअली गैस स्टेशन था, तो वो क्या था वो, ओके वो लाइट हाउस था, वो लाइट हाउस का 10-15 मिनट का ही गेम प्ले था वो ट्रायल वर्शन था। तो यहाँ पे 4 मैन्युस्क्रिप्ट मुझे नहीं मिले, ठीक है कोई बात नहीं, वो क्या यूज़ होता है मुझे पता भी नहीं। क्लोज है तो गैराज से जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ गैराज है। इसके नीचे जाएगा, नहीं क्राउच भी नहीं हो रहा है वो। ऑटोमेटिक टीवी खुल गया यार, देखते हैं टीवी को क्या है टीवी में। ओके तो इसी का रिकॉर्डिंग हुआ है, एलन का ही। कौन से एरिया का है वो जो फुर्सत से बैठ के लिख रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, फ़ोन उठाने को बोल रहा है, तो उठाने से पहले पहले यहाँ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट या फ्लास्क मिल गया तो ले लूँगा। स्क्रिप्ट तो नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट। आसपास सारे चीज़ें, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फ़ोन उठा लेना ही चाहिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके कट सीन लगा है, कोई बंदी आई है। ओके ये पुलिस वाली है, शेरिफ बोलते हैं उसे फॉरेन लैंग्वेज में। You are I'm Alan Wake. But listen, I was in a car crash. My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen, we'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her. Okay, तो वो स्टकी के बारे में पूछ रही है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहा है। वो डीमन के रूप में था तो उसे मार दिया है इसने, तो अब वो बोलेगा तो उसके जेल की सजा होगी, तो ये बोलना नहीं चाह रहा है। ये भी परेशान है, एलन भी परेशान है। मुझे लगता है चैप्टर नंबर 1 एंड हो चुका है, कट सीन दे रहा है तो यहाँ पर दूर का हो जाकर काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है पहले चैप्टर पे ही। ओके फाइन, तो चैप्टर नंबर 1 एंड हो चुका है ऐसा लग रहा है मुझे। ओके एंड हो गया है चैप्टर नंबर 1। तो ओके गाइस, तो मेरा गेम प्ले पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर कर देना मेरा गेम प्ले पसंद आए तो। जैसे ही कट सीन ख़त्म होगा चैप्टर 2 का, मेरा अपना गेम प्ले वहीं एंड कर दूंगा मैं। तो ये प्रीवियस गेम प्ले के बारे में दिखा रहा है हमें कट सीन्स। तो मेरा गेम प्ले पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, और बाजू में सो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, तो मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट गेम प्ले में एलन वेक के, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो सेकंड चैप्टर टेकन, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।
Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen.